बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर। आज हम अपने चैप्टर अदाब मजलिस की के जो एक्सरसाइज करेंगे। अदाब मजलिस की हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली है और साथ हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। आज इंशाल्लाह हम अपने चैप्टर अदाब मजलिस का बुक वर्क यानी इसकी एक्सरसाइज करेंगे और ये हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट हो जाएगा। अदाब मजलिस के की जो एक्सरसाइज है वो पेज नंबर 76 पे इसकी एक्सरसाइज है। सबसे पहले है सरगर्मी 2, दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। नंबर 1, जब हम किसी मजलिस में पहुँचें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन अहले मजलिस को सलाम, अहले मजलिस से गुफ्तगू, कुछ भी नहीं। तो इसका आएगा अहले मजलिस को सलाम, इस पे हम टिक करेंगे। नंबर 2, कि ऐसी मजलिस में शरीक होना चाहिए, बुरी, हर तरह की, अच्छी, तो अच्छी पे हम टिक करेंगे। नंबर 3, मजलिस का इख्तिताम कैसे करना चाहिए, गाने से, ज़िक्र और दुरूद से, खाने से, तो ज़िक्र और दुरूद से, इस पे हम टिक करेंगे। नंबर 4, अगर मजलिस में लोग नीचे बैठे हों तो कहाँ बैठना चाहिए, सबसे आगे, जहाँ जगह मिले, ऊंची जगह पर, तो जहाँ जगह मिले, इस पर हम टिक करेंगे। नंबर 5, अगर कोई मजलिस में बिला इजाज़त जाए तो पहले क्या करे, इजाज़त मांगे, खामोशी से बैठ जाए, लोगों का हाल चाल पूछे, तो इजाज़त मांगे, इस पे हम टिक करेंगे। सरगर्मी 3, दुरुस्त जुमले के सामने टिक का निशान और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1, मजलिस में पांव फैलाकर बैठना चाहिए, क्रॉस करेंगे, पांव फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। मजलिस में उठकर जाने वाले को दोबारा जगह नहीं देनी चाहिए, क्रॉस। मजलिस में मौजूद लोगों के साथ इज्जत का बर्ताव करना चाहिए, टिक आएगा इस पे। नंबर 4, मजलिस में गुफ्तगू के दौरान किसी की बात नहीं काटनी चाहिए, टिक आएगा इस पे। नंबर 5, मजलिस में चुगली और गीबत से दूर रहना चाहिए, इस पर भी टिक आएगा। यह आपका बुक वर्क है। आपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपना बुक वर्क भी कंप्लीट करना है और साथ इसकी लर्निंग भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।